एपिसोड की स्टार्ट में हम एक ऑक्शन को देखते हैं जहां कई सारे लोग आए होते हैं और इस ऑक्शन में कीमती चीजों पर बोली लगाई जाती है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे वो कीमती चीज दे दी जाएगी। और इस ऑक्शन में वांग और बाकी सभी भी आए होते हैं। तब उस ऑक्शन को करने वाला आदमी वहां पर एक फ्लावर को लेकर आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फ्लावर है और ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। वो आदमी कहता है अगर तुम कितने भी इंजर्ड हो जाओ लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सांसें चल रही हैं तो ये फ्लावर तुम्हारी सारी चोटों को ठीक कर देगा और तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ बना देगा। तब ये देखकर किंशु एकदम खुश हो जाती है और उस फ्लावर को खरीदने के लिए उस पर बोली लगा देती है। लेकिन वो आदमी इस फ्लावर को 10 लाख सोने के सिक्कों के साथ ही शुरू करता है जो कि बहुत ज्यादा थे, पर तब भी किंशु उस पर बोली लगा देती है। लेकिन वो लड़का जो वांग का डिसाइपल बनना चाहता था वो उससे भी ज्यादा बोली लगा देता है और वो कहता है मैं इस फ्लावर के लिए 50 लाख सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ, इसलिए ये फ्लावर मुझे दे दिया जाए। जो देखकर किंशु को काफी बुरा लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। तब वांग अपनी पावर की मदद से वहां पर एक स्टोन ले आता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है और बहुत ही रेयर भी है और उस स्टोन की इतनी ज्यादा कीमत है कि 50 लाख सोने के सिक्के क्या इस पूरे ऑक्शन की सारी चीजें भी उसके बदले दे दी जाए तो भी कम है। जो देखकर वो लड़का एकदम हैरान हो जाता है, साथ ही उसका नाम फेंग है। जिसके बाद फेंग खुद से कहता है इसने तो ये भी चीज मेरे से खरीद ली, इसके पास ना जाने कितने सारे ट्रेजर हैं। अब किंशु उन सारी चीजों को देखने लगती है जिन सभी चीजों को उसने वांग के स्टोन के बदले उस ऑक्शन से खरीदा था और वो सारी चीजें बहुत सारी होती है। तब उन चीजों के अंदर किंशु को एक बड़ा ब्लैक स्टोन दिखाई देता है जिसे देखकर वो वांग से पूछती है ये कैसा ब्लैक स्टोन है, आखिर ये कीमती चीज कैसे हुई। तब वांग उसे बताता है ये कोई मामूली ब्लैक स्टोन नहीं है, एशियन टाइम में इस तरह के ब्लैक स्टोन के अंदर डिवाइन बीस्ट को रखा जाता था ताकि जो भी उसे इस ब्लैक स्टोन के बाहर निकाले वो हमेशा उसके साथ ही रहे। जिसके बाद वो उस ब्लैक स्टोन को तोड़ देता है और उसके अंदर से एक काफी सुंदर डिवाइन पेट निकल कर बाहर आता है जिसे देखकर किंशु एकदम खुश हो जाती है और उसके साथ ही खेलने लगती है। साथ ही वो डिवाइन पेट भी बिल्कुल उसी के कपड़े के कलर का दिखाई दे रहा था, इसलिए वो पेट भी उसके साथ हो जाता है। अब वो ऑक्शन करने वाला आदमी पूरे ऑक्शन की सबसे कीमती चीज लेकर आता है जो कि किंजू सीक्रेट लैंड का मैप है। ये देखकर वांग एकदम हैरान हो जाता है और उस मैप को खरीदने के लिए एक के बजाय वहां पर 2 स्टोन दे देता है ताकि इन 2 स्टोन के बदले उसे मैप मिल जाए और उन 2 स्टोन की कीमत इतनी ज्यादा है कि उससे वो मैप आसानी से मिल जाता है। फेंग तो इसकी बोली भी नहीं लगा पाता। अब वांग और किंशु दोनों उस मैप की मदद से किंजू के सीक्रेट लैंड को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहीं फेंग उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। किंशु वांग से कहती है क्या ये मैप असली भी है या नकली है, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन वांग उससे कहता है मैंने इस जगह के बारे में सुना है और जैसा मैंने सुना है बिल्कुल उसी तरीके का इस मैप में बना हुआ है, मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सही मैप है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम जरूर किंजू के सीक्रेट लैंड तक पहुँच जाएंगे। तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है, जिसके बाद वहाँ पर फेंग आता है। किंशु उससे कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, लेकिन फेंग कुछ जवाब दिए बगैर ही वहाँ से उड़ते हुए सीधा वांग के घुटनों के पास ही आ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है मैंने आपको देखा, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए आप प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो, अगर मैं आपके साथ रहा तो मैं भी एक दिन आपके जैसा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। तब वांग उससे कहता है मेरा डिसाइपल बनना इतना आसान काम नहीं है, अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल सच में बनना है तो देखो वहाँ पर 3 लोग खड़े हैं, इन 3 लोगों को हरा कर दिखाओ तब मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। जिसके बाद हम उन 3 लोगों को देखते हैं जो खुद भी काफी टाइम से वांग का पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्हें वांग से लड़ना है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर उसके अंदर कितनी पावर्स है जिस वजह से उसने अकेले ही एक पूरे सेट को बर्बाद कर दिया। तब उन 3 से लड़ने के लिए वहां पर फेंग आ जाता है और सबसे पहले अपना भाला निकाल लेता है जिस भाले की मदद से वो एक आदमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस भाले के अटैक को रोकने के लिए वो आदमी वहां पर अपना हैमर ले आता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, पर फेंग आसानी से उस हैमर वाले आदमी को हरा देता है। अब दूसरे आदमी की बारी आती है जो अपने स्वॉर्ड के अंदर से काफी पॉइजनस गैस बाहर निकालता है
और उस गैस को स्नेक में बदल कर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फैंग बच जाता है और फिर वो उस आदमी के ऊपर अपने भाले से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से आकर उस पॉइजन से बना स्नेक उसे काट लेता है, जिस वजह से फैंग खड़ा भी नहीं हो पाता। तब वो स्वॉर्ड वाला आदमी उसे बहुत मारता है। किंशु उसे बचाने जा रही होती है पर वांग उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे देखना है कि फैंग के अंदर इतनी पावर्स है भी या नहीं कि वो उसका डिसाइपल बन सके। इधर फैंग काफी कोशिशों के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है और अपने भाले की मदद से उस पॉइजन वाले आदमी का खेल वहीं खत्म कर देता है। अब बारी उस आखिरी आदमी की आती है जो फैंग से लड़ने के लिए आता है, लेकिन उसके अंदर अब भी पॉइजन था, जिस वजह से वो उतना पावरफुल नहीं दिखाई देता है। और तब उसके सामने वाला आदमी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से फैंग के हाथ से उसका भाला भी नीचे गिर जाता है और वो बिना भाले की उसके सारे अटैक को अपने हाथों से डिफेंस कर रहा होता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर वांग खुश हो जाता है कि फैंग के अंदर तो कुछ ना कुछ पावर्स है, ये मेरा डिसाइपल बनने के लायक है। तब फैंग के सामने वाला आदमी उससे कहता है, मैंने तुम्हें हरा दिया, अब मेरे घुटने पे झुककर मुझसे माफी मांगो। जो सुनकर वांग को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी के स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक कर कहता है, कोई भी मेरे डिसाइपल्स को घुटने पे झुकने कहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर्स फैंग के अंदर ट्रांसफर कर देता है और जिसकी पावर्स उसके अंदर ट्रांसफर होते ही फैंग की बॉडी के अंदर का पूरा पॉइजन उसके मुंह से बाहर आ जाता है, जो उसके सामने वाले आदमी के ऊपर ही गिर जाता है। और जैसे ही वो पॉइजन उसे लगता है, वो आदमी वहीं पर तड़पते तड़पते मारा जाता है। जिसके बाद फैंग वांग के पास आकर उसे ग्रीट करता है और उसका शुक्रिया भी करता है उसे अपने डिसाइपल के रूप में मानने के लिए। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।